नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पैराग्राफ विच कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15th एंड 16th ऑफ पेपर 2। इसमें अगर डायग्राम हम क्वेश्चन चेक करें तो देयर इज ए करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस ए एंड देयर आर टू वायर्स नेम्ड एज वायर 1 एंड वायर 2 दैट इज पी क्यू एंड एस आर। अगर क्वेश्चन 15th में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग अगर हम मॉडिफाई करें इसको तो 3D डायग्राम हमने ड्रॉ किया है उसको मॉडिफाई करके, यह वायर है 2, यह है वायर 1 एंड दिस इज लूप एंड दिस इज पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट करिंग लूप। सी हियर, इफ यू कंसीडर दिस पॉइंट ड्यू टू करंट करिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट किधर होगा, ऑब्वियसली ऊपर होगा। कितना होगा बी ड्यू टू लूप, मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपली अगर बात करते हैं तो क्या आएगा इस केस में, म्यू जीरो अपॉन 2 आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। दिस पॉइंट एम आर दिस पॉइंट एम इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वायर 1 एंड 2, दैट्स वाई मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 एंड ड्यू टू वायर 2 एट दिस पॉइंट वुड बी इक्वल, से बी ड्यू टू 1 एंड बी ड्यू टू 2 आर इक्वल इन मैग्नेट्यूड एंड दैट इज वैल्यू कितना होगा, म्यू जीरो पॉइंट 2 पाई आई बाई रूट बर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, से इट इज बी डैश। मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोल दिया है, बी डैश। अब इसमें क्वेश्चन 15 में मेंशन किया कि एट दिस पॉइंट नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह इस लूप के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दे। तो ऐसा कब, ऐसा ऐसे हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट, यह जो वायर 2 है दैट इज एस आर, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए, एस टू आर, एस नीचे एस टू आर इस तरह होना चाहिए, और डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू पी क्यू क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। अगर हम इस पार्ट के कारण बात करें तो क्या होगा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा इधर होगा बी टू। अगर यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। बी टू का एक कंपोनेंट इधर होगा कितना, बी टू कॉस थीटा, और बी टू का इधर कंपोनेंट कितना होगा, बी टू साइन थीटा। तो अगर हम बाहर निकाल लें इसको तो इधर क्या होगा, बी टू साइन थीटा, और इधर क्या होगा, बी टू कॉस थीटा। सिमिलरली ड्यू टू 1 मैग्नेटिक फील्ड की कुछ इधर होगा, उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल अलोंग हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, एंड दैट वुड बी सिमिलर ड्यू टू सिमेट्री क्या होगा, दैट वुड बी बी वन कॉस थीटा। तो एट एम अगर नेट फील्ड की बात करें तो एम पर क्या होगा, बी ड्यू टू लूप, इधर क्या होगा बी वन कॉस थीटा, इधर क्या होगा सेम डायरेक्शन बी टू कॉस थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक दूसरे के क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। दैट मीन्स फॉर नेट फील्ड एट दिस पॉइंट एम हैज टू बी, या फॉर दैट पॉइंट नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बी ड्यू टू लूप को ये दोनों बैलेंस कर लेंगे। दैट मीन्स मॉड ऑफ बी ड्यू टू लूप इसको लूप क्या होगा 2। अब हमने यहां मेंशन कर दिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, से बी डैश, तो क्या हो जाएगा 2 बी डैश कॉस थीटा। अब अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं यहां पर, देन इन दिस केस H comes out to be approximately 1.2 a. That means option C is correct. Now question में 16 में क्या mention कर रहा है यहां पर, 16 में बोल रहा है कि D की value A से बहुत ज्यादा है, मतलब these two are far away. Situation कुछ इस तरह बोल रहा है यहां पर, या अगर हम इसको 3D डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा।
वायर टू, वायर वन, एंड यहां पर क्या है, एक लूप है, लूप का प्लेन कितने एंगल पे है, कितना एंगल रोटेटेड है पहले से, थीटा 30 डिग्री यहां से, मीन्स ये एंगल कितना है 30, तो इसका एरिया वेक्टर ऑब्वियसली इधर होगा, यहां से कितना एंगल होगा, यह ऑब्वियसली 30 डिग्री। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालते हैं हम लोग, किधर आएगा, इधर आएगा बी टू, बी वन भी इधर ही आएगा, बी वन बी टू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां इक्वल होगा, कितना होगा, म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई बाई डी, से इट इज बी डबल डैश लाइक दिस वे। तो इस केस में टॉर्क क्या होगा, क्या होता है, एम बी साइन थीटा, यहां थीटा की वैल्यू कितनी है, तो बी वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, दैट मीन्स पाई माइनस 30, तो साइन पाई माइनस 30 क्या होगा, साइन 30 होगा, दैट मीन्स एम कितना है, आई इंटू पाई ए स्क्वायर, एंड बी की वैल्यू क्या होगा, यहां पर नेट बी ड्यू टू दीज टू रिजल्टेंट का इसका डबल हो जाएगा, दैट मीन्स टू इंटू म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई बाई डी, एंड साइन पाई माइनस 30 दैट इज साइन 30, साइन 30 कितना हो जाएगा यहां से 1 बाई टू, इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2d, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके।